हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टेटमेंट। आज हम आपके लिए लेके आए पुनावड़े इस लोकेशन से 2BHK का प्रोजेक्ट, जहां पर आपको कुछ अर्ली पोजीशन में फ्लैट्स देखने को मिल जाता है। एंट्रेंस पे मेन डोर पे आपको कुछ इस तरीके से डिजिटल लॉक देखने को मिल जाता है। ये है आपकी एंट्रेंस लॉबी, काफ़ी शानदार बढ़िया लॉबी दी गई है। यह है इस लॉबी का साइज, यहाँ पर आप शू रैक की वगैरह अरेंजमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते ही दोस्तों, ये है आपका स्पेशियस लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया, जिसमें लिविंग एंड डाइनिंग एरिया सेपरेट दिया गया है। यहाँ पर आपकी फर्नीचर की अरेंजमेंट एकदम आसानी से हो जाती है। यहाँ पर आप एल शेप में सोफ़ा की अरेंजमेंट कर सकते हैं, स्पेस काफ़ी बढ़िया दिया गया है। और यहाँ पर आप आपका टीवी यूनिट लगा सकते हैं। यह है लिविंग का साइज़, ये जो साइज़ मैंशन है ये सिर्फ लिविंग रूम का साइज़ है। लिविंग रूम को अटैच दोस्तों आपको एक बालकनी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। ये बालकनी है तो ऊपर से कवर्ड रहने वाली है, प्राइवेसी इसमें मेंटेन होती है। सामने ग्लास रेलिंग दी गई है। ये है इस बालकनी का साइज। ये है आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल की अरेंजमेंट कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया का साइज ये है। डाइनिंग एरिया को लग के ये है आपका किचन। किचन में कुछ एल शेप का ब्लैक ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है। यहाँ पर स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप आपका रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं। उसी के बाजू में प्लेटफॉर्म पर आप आपका माइक्रोवेव मिक्सर लगा सकते हैं, उसके लिए पॉइंट्स प्रोवाइडेड है, सफिशिएंट पॉइंट्स दिए गए हैं। यह है किचन का साइज, तो काफ़ी बढ़िया साइज का किचन दिया गया है। यह है आपकी एनक्लोज ड्राई बालकनी, जहाँ पर आपको एक सिंक देखने को मिल जाता है विथ प्रोविजन फॉर योर वाटर प्यूरिफायर एज वेल। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइडेड है एंड यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है आपके वॉशिंग मशीन के लिए। यह है इस ड्राई बालकनी का साइज जो कि एनक्लोज्ड है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके के नए नए वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना ना भूलें। पूरे घर में आपको वेस्टेज एरिया ना के बराबर देखने को मिल जाता है। यह है आपकी फर्स्ट बेडरूम, इसमें भी आपकी फर्नीचर की अरेंजमेंट एकदम आसानी से हो जाती है। लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइडेड है। यह है इस बेडरूम का साइज, तो काफ़ी बढ़िया साइज का ये बेडरूम भी दिया गया है। यहाँ पर यह है कॉमन वॉश बेसिन एरिया जो कि बाहर की तरफ दिया गया है, गेस्ट आते हैं तो इसे यूज कर सकते हैं। और उसी को लग के ये है आपका कॉमन वॉशरूम, इसमें भी टाइलिंग्स एंड फिटिंग्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी गई है। यह है इस वॉशरूम का साइज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आपका सेकेंड बेडरूम, आप इसे आपके मास्टर बेडरूम की तरह डिजाइन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया साइज का दिया गया है, इसमें भी आपके फर्नीचर की अरेंजमेंट आसानी से हो जाती है। यह है इस बेडरूम का साइज, इसमें आपको एक नया कंसेप्ट देखने को मिल जाता है जो कि है आपकी डे एंड नाइट बालकनी, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप दोनों साइड का व्यू एंजॉय कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। आइए इसके साथ अटैच वाला वॉशरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वाला वॉशरूम, इसमें भी काफ़ी अच्छी टाइलिंग्स एंड फिटिंग्स प्रोवाइडेड है। यह है इस वॉशरूम का साइज। तो दोस्तों, ये था 2BHK का सैंपल फ्लैट पुणे के पुनावड़े इस लोकेशन का, जिसमें कुछ अर्ली पोजीशन में फ्लैट अवेलेबल है। आपको ये कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मीनवाइल आप ये वीडियो देख सकते हैं या ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।